राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, जय की संजीवनी जी राहुल गांधी, दोनों भाग करने लगे, जी राहुल गांधी, जी राहुल गांधी, इंडिया नेशनल कांग्रेस, जी राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, इंडिया नेशनल कांग्रेस, आपको अपनी सरकार चुननी है। अलग अलग लोग अलग अलग वायदे कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कल कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, नया इंस्टीट्यूट लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने साल हुए जाकर जी, कितने साल हुए जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा था ड्रग्स के बारे में? 2014 में जब मैंने ड्रग्स की बात उठाई और पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने कहा, 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि पंजाब के सामने ड्रग्स बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उस टाइम अकाली दल के लोगों ने, उनके सब नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा राहुल गांधी पंजाब को नहीं समझता, यहां पे ड्रग्स की कोई समस्या नहीं। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा पंजाब में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी लोगों को भड़का रहा है। उस समय बीजेपी और अकाली दल एक साथ यहां राज करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ड्रग्स नहीं दिखाई दिए। अभी सिद्धू जी ने कहा आम आदमी पार्टी के नेता ने माफी मांगी, मजीठिया जी से माफी मांगी, तो सब लोग आके ड्रग्स की बात करेंगे, मगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ा कौन? ड्रग्स की बात किसने उठाई? कांग्रेस पार्टी ने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। उस समय यहां पे ना नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, ना केजरीवाल, ना अमित शाह। उसके बाद कोरोना आता है, लोकसभा में मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है,
कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। लाखों लोग कोरोना के से मरे। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस ने लगाई थी। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, कोरोना के समय क्या हुआ? कोरोना के समय आम आदमी पार्टी कहां गायब हुई? कोरोना के समय दिल्ली के अस्पताल में क्या हुआ? कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर किसने दिलवाए? यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में गैस ने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया। उस समय कोई आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, जब हजारों लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे थे, तो केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखाई दे रही थी, जब वेंटिलेटर की कमी थी, केजरीवाल जी नहीं दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे थे। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, और जब थाली ने काम नहीं किया, जनता को कहते भैया मोबाइल फोन की लाइट लगाओ। और मैं आपको फिर आज कह रहा हूं, ड्रग्स के मामले में मैंने कहा, कोरोना के मामले में मैंने कहा, और आज मैं फिर से पंजाब की जनता को कह रहा हूं, और ये बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, इससे जरूरी चीज है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, यह मजाक नहीं है, यह कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है जहां पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, क्योंकि यहां अगर शांति चली गई, यहां अगर नफरत फैलनी शुरू हो गई, तो सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हम सबको लेकर चलते हैं, सबकी बात सुनकर चलते हैं, और हमें एक्सपीरियंस है, हम पंजाब को चलाना जानते हैं, हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में एक्सपेरिमेंट नहीं चलता। भाइयों और बहनों, मैंने जो कहा है इसको आप भूलिए मत। ड्रग्स के बारे में कहा था, मजाक उड़ाया। कोरोना के बारे में कहा, मजाक उड़ाया। याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लिए, पंजाब के युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति और भाईचारा, इससे जरूरी चीज पंजाब में नहीं है। जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन ये खत्म हो गई, पंजाब को बहुत बहुत जोर से चोट लगेगी। एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, जो सरकार चलाना चाहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो सबको लेकर चलते हैं, उनको आप अपना वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए यहां पे, और पंजाब में शांति रखिए। अब देखिए, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं, मैं हवा में नहीं बोलता, झूठे वादे नहीं करता। जो मैं बोलता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, देश दो भागों में बंट रहा है,
नफरत फैल रही है। बाहर बॉर्डर पे चाइना बैठा है, सरकार सो रही है, झूठे वायदे नहीं करता। मैं आपसे पूरी जिंदगी में यहां आकर 15 लाख देने वाला भाई वायदा नहीं करूंगा, कर नहीं सकता। मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं कहूंगा कि भैया एक साल में मैं आपको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं कह सकता, झूठ है। मुझे सिखाया गया है सच्चाई जीतती है, समय लगता है मगर सच्चाई जीतती है। तो आप मेरी बात भूलो मत, पंजाब के सामने खतरा है, पंजाब को एक साथ चलना है। जैसे 5 नदियां हैं, सबको एक साथ मिलकर आगे चलना है, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, तब ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा सकता है। झूठे वायदों से ये प्रदेश नहीं चलने वाला है। सिद्धू जी ने कहा, आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 18 साल से बड़ी लड़कियों की मदद करेंगे, क्यों 17 साल 16 साल 15 साल उन लड़कियों ने क्या गलती की? अभी वो वोट नहीं दे सकते, उनकी ये गलती है कि वो आज वोट नहीं दे सकती। आप उनके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने वोट के बारे में सोच रहे हो। इसीलिए मजीठिया जी से माफी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भूलो मत। कांग्रेस पार्टी वोट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। हम लाइन में लगाते हैं, हम पंजाब को, पंजाब में नफरत कभी नहीं फैला सकते, क्योंकि ये हमारे लिए, ये पंजाब जो है ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, ये बात आप समझिए, ये सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है, ये प्रदेश हिंदुस्तान की रक्षा करता है और इस प्रदेश को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये प्रदेश कैसे कमजोर होगा? जब ये प्रदेश बांटा जाए, अगर पंजाब एक साथ खड़ा है, अगर इसमें हर धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ खड़े हैं, इसको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। पूरी दुनिया लड़ जाए, पंजाब को नहीं छू सकती है। मगर सबसे जरूरी बात है, पंजाब को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, पंजाब के लिए और हिंदुस्तान के लिए। हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी। 3-4 महीने से चन्नी जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं। गरीब घर, गरीब घर में चन्नी जी पैदा हुए हैं। चन्नी जी गरीबी को समझते हैं, चन्नी जी के दिल में गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए जगह है। आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं और फिर काम करते हैं। बिजली की बात थी, आपने बिजली का मुद्दा उठाया, आपने उनसे कहा कि देखिए बिजली की समस्या है, 20 लाख परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, 1500 करोड़ रुपए चन्नी जी और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं।
पावर प्राइस को 3 रुपए यूनिट कम किए। जो भी आप कहोगे उसको चन्नी जी कांग्रेस पार्टी की सरकार सुनेगी और फिर कार्रवाई करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में यूपीए के समय तेल के दाम $140 प्रति बैरल थे, आज तकरीबन $90 है। और अगर आप कुछ दिन पहले देखते तो दाम बहुत कम था। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पंजाब में 10 रुपए लीटर पेट्रोल और 5 रुपए लीटर डीजल कांग्रेस पार्टी ने कम किए, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी ने यह काम पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया? क्या केजरीवाल जी ने यह दिल्ली में किया? क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, छोटे व्यापारी, मजदूर, किसान, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी नहीं काम करते। अगर करते तो नोटबंदी कभी नहीं करते, अगर करते तो गलत जीएसटी कभी नहीं लागू करते। आप सब नोटबंदी में बैंक के सामने खड़े थे, आप खड़े हुए बैंक के सामने लाइन में खड़े थे, आप खड़े थे ना लाइन में, आपने गरीब लोग देखे, छोटे दुकानदार देखे, मजदूर किसान देखे, आपने अरबपति देखा? तो कोई अरबपति लाइन में देखा आपने? क्या उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए नहीं है? क्या उनके पास 500 1000 रुपए नहीं है? लाइन में क्यों नहीं खड़े थे वो? नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा काला धन मिटा रहा हूं, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा, कोई 15 लाख रुपए नहीं मिले, कोई काला धन नहीं मिटा, आपका पैसा आपके जेब से निकालकर सीधा सबसे बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दिया। वही जीएसटी है, गरीबों से पैसा लो, छोटे दुकानदारों से पैसा लो, स्मॉल मीडियम बिजनेस से पैसा लो और अरबपतियों को दो, वो उनकी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद किसान बिल लागू करते हैं, 3 काले कानून। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसानों की मदद कर रहा हूं। अगर आप किसानों की मदद कर रहे हैं तो किसान धरना क्यों दे रहा है? किसान 1 साल के लिए ठंड में कोरोना में क्यों खड़ा है? उसको क्या हो गया? और फिर चुनाव आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई, माफी मांगता हूं। और फिर जब हमने पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया 700 लोग शहीद हुए हैं, 2 मिनट उनको उनका आदर कीजिए, मौन व्रत रखिए, कहते नहीं, 2 मिनट पार्लियामेंट हाउस में शहीदों को नहीं दिए। हमने पूछा लिस्ट दीजिए, कहते कोई नहीं मरा, झूठ बोल रहे हैं किसान। तो हम 2-3 बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे, हम किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वालों की सरकार चलाएंगे। सिद्धू जी ने कहा 170 सर्विसेज हम आपके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार और आपके बीच में
आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नक्शे की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, परमिशन की जरूरत होती है, अलग अलग चीजों की आपको जरूरत होती है, सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार आपका टाइम जाया होता है। कांग्रेस पार्टी 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, सरकारी सर्विसेज सीधे आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से देती है। चन्नी जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि हर परिवार को, गरीब परिवार को 8 एलपीजी सिलेंडर साल के और 1100 रुपए महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं, मगर सबसे जरूरी बात, कांग्रेस पार्टी पंजाब को चलाना जाती है, यहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो लोग सरकार चलाना जानते हैं, जो लोग सबको एक साथ ले जाना जानते हैं, उनको आप वोट दीजिए। पंजाब में शांति से सबसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, शांति को मेंटेन रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।